और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इज़राइल युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। इज़राइली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने खान यूनिस शहर पर ऑपरेशनल कंट्रोल का ऐलान कर दिया है। IDF ने कहा है कि उसने गाजा के दक्षिण में पड़ने वाले खान यूनिस शहर के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। IDF ने यह भी कहा है कि उसने खान यूनिस ब्रिगेड कमांडर के ऑफिस और आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। गाजा के खान यूनिस में इस समय सबसे तेज हमले हो रहे हैं, लेकिन इजरायली फोर्स को हमास के जिन हथियारों का सामना करना पड़ रहा है उससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। हमास डॉल बम इस्तेमाल कर रहा है, ये डॉल बम बहुत खतरनाक होते हैं। डॉल में बम छिपाकर हमास के लड़ाके इसे रख देते हैं और उसमें लाउड स्पीकर लगा देते हैं जिससे बच्चे की रोने की आवाज आती है। हमास के घातक हथियारों की सूची चौंका देने वाली है। टेडी बियर में स्नाइपर गन, स्कूल मस्जिदों में टेरर नेटवर्क, हमास की खौफनाक साजिश, IDF के खिलाफ बड़ा प्लान। गाजा में हमास का रिएक्शन देख इजरायली सेना के होश उड़े हुए हैं। इजरायली सेना की बमबारी के बीच हमास ने गाजा में जो व्यूह रचना की है, बेनामिन नेतन्याहू के पास उसका कोई तोड़ नहीं दिख रहा। इजरायली सेना जिस ओर मूव कर रही है, हमास ने उस रास्ते में बम फिट कर दिया है। ये सही है कि 19,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, लेकिन इजरायली सेना की जीरो डेथ वॉर की स्ट्रेटजी के भी बरखच्चे उड़ गए हैं। हमास के जबरदस्त प्रतिक्रिया की वजह से ही 27 अक्टूबर से, यानी जब से इजरायल ने गाजा में जमीनी हमले शुरू किए हैं, 121 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा हमास ने नहीं बल्कि इजरायली सेना ने ही जारी किया है। चालीस से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में हमास ने ऐसी कौन सी तैयारी कर रखी है कि इजरायली सेना गाजा पर अब तक कब्जा पाने में असमर्थ रही है। हमास ने ऐसे कौन से हथियार जुटा रखे हैं जिसका जवाब इजरायली सेना के पास नहीं है। हमास के लड़ाकों ने पूरे गाजा में फैली सुरंगों की रचना कैसे कर रखी है कि इजरायल की सेना उनमें घुसने से पहले ही मात खा रही है। इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। अभी हमास ने इजरायली सेना के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है उसे देखिए। हमास नए नए तरीकों से IDF के जवानों पर हमले कर रहा है। हमास के आतंकियों ने गोड़ियों के अंदर बम भरकर उसमें रोने की आवाज निकालने वाले स्पीकर लगा दिए हैं।
उनकी कोशिश थी कि इजरायली बंदूकों की तलाश कर रहे आईडीएफ के जवान उसे बच्चों के रोने की आवाज समझेंगे, जैसे ही उनके पास आएंगे बम के धमाके में मारे जाएंगे। लेकिन हमास डाल डाल खेल रहा है तो इसराइल पात पात। इसराइल इंटेलिजेंस यूनिट ने इस साजिश का पता लगा के अपने जवानों को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद डिस्पोजल स्क्वाड ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इसराइली सेना ने दावा किया है कि हमास गुड़ियों और बच्चों के बैकपैक्स को जानबूझकर एक सुरंग शॉट के पास रखा था, जो एक बड़े टनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इजरायली सेना ने उस इलाके की तलाशी ली और घात लगाकर किए गए हमले के साथ साथ क्षेत्र में हमास की खुफिया जानकारी और टैंक रोधी ठिकानों का भी पर्दाफाश किया। आईडीएफ ने दावा किया था कि हमास के आतंकियों ने टेडी बियर के अंदर स्नाइपर राइफल और बम छिपाए हुए थे। इन टेडी बियर को लेकर आतंकी आम लोगों के बीच रहे थे। इसके अलावा गाजा के कई स्कूलों और मस्जिदों के नीचे टनल नेटवर्क भी मिला है। इसके जरिए आतंकवादी सुरक्षित आवाजाही करते। इतना ही नहीं, हमास ने इजरायली सेना की नजर से बचाने के लिए स्कूल में हथियारों का गोदाम बना रखा था। हमास के पास बिना शक इजरायल वाला वेपन पावर नहीं है, लेकिन हमास के पास हथियारों में घरेलू रॉकेट, अपग्रेडेड AK-47 और सोवियत संघ के दौर के मशीन गन के अलावा कई सस्ते नए और चोरी किए हुए हथियार हैं। कई ऐसे एडवांस हथियार भी मिले हैं जिनकी सप्लाई ईरान ने की, तो कुछ ऐसे हैं जिनका निर्माण उत्तर कोरिया में किया गया। ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि हमास की पसंदीदा राइफल कौन सी है। सोवियत दौर में निर्मित 7.62 मिलीमीटर कैलिबर वाली AK-47 असॉल्ट राइफल हमास का सबसे पसंदीदा हथियार है। आतंकी इसकी मदद से कई राउंड तक गोलियों की बौछार करते हैं। इसके अलावा SVD ड्रैगनो ग्रूज सेमी ऑटोमेटिक 7.62 मिलीमीटर कैलिबर स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल हमास 20 किलोमीटर दूर से हमला करने के लिए कर रहा है। हमास के ट्रक भारी मशीन गन M2 ब्राउनिंग HMG से लैस हैं। ये पैदल सेना हल्के बख्तरबंद वाहनों और कम उड़ान वाले विमानों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, हमास जैसे संगठनों के पास जो भी हथियार हैं वो या तो ईरान से आए हैं या हमास ने स्मगलिंग से उसे मंगाया है या सोवियत दौर के हैं। इन हथियारों से हमास इजरायल को नुकसान तो पहुंचा रहा है। 9 किलो वाला RPG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर हमास का फेवरेट है। ये काफी सस्ता और उपयोग में आसान है। सोवियत संघ का बना यह हथियार कंधे पर रहता है और एक ट्यूब से रॉकेट दागता है। ये रॉकेट आसानी से 200 से 700 मीटर की दूरी पर मौजूद टैंकों को आसानी से तबाह कर सकता है। हमास को इजरायली सेना की ताकत का अंदाजा है, इसीलिए हमास ने 2014 से ही इजरायली हमले का प्रतिकार करने की तैयारी शुरू कर दी थी। जिन सुरंगों को नष्ट करने की बात हो रही है या नष्ट की जा रही है, ये सुरंगें दुनिया के लिए अजूबा है। सोचिए जरा, 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में जमीन के नीचे हमास ने 500 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद रखी है। इन सुरंगों में हमास की जान बसती है। इनके हथियार, इनके लड़ाके, इनके नेता सारे सुरंगों में शरण पाते हैं। जहां तक सुरंगों के सफाई की बात है तो इसराइल ने बहुत सी सुरंगों को मठिया मेट कर दिया है, लेकिन अभी ऐसी कई सुरंगें हैं जहां अब भी इसराइल की सेना नहीं पहुंच पाई है। इन सुरंगों को नष्ट करने के लिए अब इजरायली सेना इनके भीतर समंदर का पानी छोड़ रही है। हमास का बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। लंबे वक्त तक हमास के टिके रहने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ईरान, जिससे सबसे ज्यादा हथियार मिलने की हमास को उम्मीद थी, उसने साथ छोड़ दिया है, लिहाजा हमास फंस गया है। बाकी किसी भी अरब देश से उसे कोई मदद नहीं मिल रही, जबकि इसराइल को अमेरिका से सीधे हथियारों की सप्लाई हो रही है। नतीजा जमीन पर दिख रहा है। لقينا دار جيراننا المسلمي انقصفت على الطابق الرابع، وفي طبعا شهداء وفي جرحى وفي واحد شهيد لسه من امبارح لقيت طلوع. اسرائيل की ओर से ताबड़तोड़ हवाई हमलों ने गाजा के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है।
गाजा हमले में करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सेंट्रल गाजा के एक शरणार्थी शिविर पर हुए हवाई हमलों में करीब 33 लोगों की जान चली गई है। इनमें 14 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। रफा शहर में हवाई हमलों में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। हर बीतते दिन के साथ इजराइल गाजा पर अपना नियंत्रण बना रहा है। खान योनोस में इस वक्त इजरायली सेना भीषण बमबारी कर रही है। खान योनोस से नहीं, गाजा के कई बड़े शहरों पर इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि जिन्हें युद्ध विराम की उम्मीद दिख रही है उन्हें बहुत निराश होना पड़ेगा। बंधकों की मौत की हमास वाली धमकी का इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा है। इज़राइल फिलिस्तीन की जंग देखते देखते कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन 2023 में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा है उसने तबाही की नई कहानी लिख दी है। इज़राइल इस इरादे के साथ मैदान में उतरा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक गोली चलाते रहना है, जबकि हमास इसकी कोशिश कर रहा है कि बीते सालों की तरह बंधकों के नाम पर वो युद्ध विराम करवाएगा, संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाएगा और विश्व बिरादरी से इजराइल पर दबाव बनवाएगा कि वो हमास पर हमला नहीं करे। हमास की ये कोशिश आंशिक रूप से रंग भी ला रही है। अमेरिका ने इजराइल को दो टूक कहा है कि हमास के आतंकियों को मौत की नींद सुलाने के दौरान ये ख्याल रखा जाए कि किसी आम फिलिस्तीनी की इसमें मौत ना हो, लेकिन युद्ध में इजराइल इस कदर उलझा हुआ है कि अपनों तक को पहचानने में इजरायली सेना से भूल हो रही है। इन तीन युवकों को हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बना लिया था। इजरायली सेना ने गाजा पर हमला किया तो पहचान के संकट के कारण इन तीनों को गोली मार दी। हालांकि इजरायली सेना ने अपनी गलती कबूल कर ली है, लेकिन युद्ध में ऐसी गलती की संभावना लगातार बनी रहती है। सवाल, फिर युद्ध कहां जाकर रुकेगा और 22 लाख फिलिस्तीनियों के भविष्य का क्या होगा? इस सवाल का जवाब नेतन्याहू के पास नहीं है, क्योंकि इसकी तैयारी में अमेरिका जुट गया है। जो बाइडन का कहना है कि वो एक नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण देखना चाहते हैं, जिसे महमूद अब्बास 2005 से चला रहे हैं। बाइडन चाहते हैं कि संघर्ष समाप्त होने के बाद नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण गाजा में कार्यभार संभाले। गाजा में आखिरी बार चुनाव 2006 में हुए थे। इस चुनाव में हमास को जीत मिली थी, लेकिन हमास ने सरकार बनाते ही महमूद अब्बास की फतेह पार्टी के नेताओं के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी थी। इस हिंसा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फतेह के हजारों कार्यकर्ता मारे गए। इस हिंसा के बाद महमूद अब्बास ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को पद से हटा दिया था, लेकिन हानिया ने इससे इनकार करते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। गाजा का क्या होगा? ये तभी तय होगा जब युद्ध समाप्त होगा या युद्ध विराम होगा, और ये दोनों सूरतें फिलहाल तो कम से कम नहीं दिख रही। हाँ, एक बात जो अब तक युद्ध के दौरान देखी गई वो ये कि अरब वर्ल्ड का कोई भी देश हो हमास के साथ जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही खुलकर मदद देने के लिए राजी है। यमन के हूथी विद्रोहियों के हमले या लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाकों के अटैक इसराइल को रोक पाने में समर्थ नहीं है, और इसराइल तभी युद्ध विराम करेगा जब हमास के अंतिम आतंकी को मारकर वो गाजा पर कब्जा कर ले। और ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को एक नई धमकी दे दी है। ईरान की सेना की ब्रांच IRGC के हेड ने अमेरिका को अफगानिस्तान की याद दिलाई है। ईरान के मेजर जनरल हुसैन सलामी ने एक तरह से कह दिया है कि गाजा में इसराइल का वही हाल होगा जो अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ है। ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक है। ईरान के मेजर जनरल हुसैन सलामी ने साफ कहा है कि अमेरिका इसराइल को चाहे जितना पैसा और हथियार दे, गाजा की जंग वो नहीं जीत पाएगा। इसी वजह से अमेरिका पश्चिम एशिया से अपना बोरिया बिस्तर अब समेट रहा है।
ईरान के वॉर गेम का पूरा प्लान सामने आ गया है। युद्ध के 70 दिन बाद पता चल गया है कि खुद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी रणनीति से पर्दा उठाया है। ईरान ने बता दिया है कि उसका अगला वार क्या होगा, कहां होगा और कब होगा। ईरान ये तो पहले ही कह चुका है कि पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, ऐसा धमाका जो कयामत ला देगा, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा, जिसे ना इजराइल रोक पाएगा न अमेरिका। पर अब ईरान ने जो कहा है उसने अमेरिका और इजराइल की सांस हलक मिला दी है। ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर साफ साफ कहा है कि गाजा की लड़ाई तो बहुत छोटी है, ईरान का मकसद इजराइल को बहुत बड़ी जंग में घसीटने का है। इतनी बड़ी और पेचीदा जंग जिससे इजराइल और उसका दोस्त अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही दलदल की तरफ फंसते चले जाएं। ईरान के इस वॉर गेम में तो गाजा बस एक शुरुआती पॉइंट है। ईरान की साजिशों का जाल गाजा से शुरू होकर इजराइल के पड़ोसी देशों लेबनान, सीरिया, इराक और इजराइल के दक्षिण में मीलों दूर बसे यमन तक फैला हुआ है। ईरान गाजा में तो हमास के पीछे खड़ा ही है, वो लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला से भी इजराइल पर हमला करवा रहा है और इजराइल के दूसरे पड़ोसी देश सीरिया में तो खुद ईरान मौजूद है, उसने वहां से इजराइल को घेर रखा है। सीरिया और इजराइल के बीच भी आए दिन हवाई हमलों की खबरें आ रही हैं और कुछ वक्त पहले इस लड़ाई में ताजा एंट्री हुई है यमन के हूथी विद्रोहियों की। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पश्चिम एशिया में तैनात किए, तो ईरान ने यमन में अपने समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों को इजराइल के पीछे छोड़ दिया। हूथी विद्रोही फिलिस्तीनियों का साथ देने के नाम पर इजराइल पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। हूथी विद्रोहियों ने तो यमन के बगल में मौजूद लाल सागर को भी जंग का अखाड़ा बना दिया है, वो वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर हमले कर रहे हैं। हूथी विद्रोहियों ने कसम खाई है कि जब तक इजराइल गाजा में शांत नहीं होगा तब तक लाल सागर से उसका एक जहाज नहीं निकलेगा। हूथी लड़ाके लाल सागर में इतने हमले कर रहे हैं कि खौफ के मारे जहाज कंपनियों ने वो रूट पकड़ने से ही तौबा कर ली है। इस वजह से एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया जाने वाले पानी के जहाजों को पूरे के पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का लंबा चौड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे सफर महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ने लगा है। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे उसके दोस्तों को लाल सागर की पहरेदारी करनी पड़ रही है। हूथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए उन्हें अपने जंगी जहाज समंदर में उतारने पड़े हैं और एक दिन पहले तो हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन से ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में 15 ड्रोन मार गिराए। तो क्या ईरान की चाल में फंस गए हैं अमेरिका और इजराइल? अमेरिका और इजराइल अपने ताकत पर, हथियारों और पैसे के दम पर गाजा की जंग लड़ रहे हैं, मगर ईरान की IRGC के हेड मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दो टूक कहा कि पश्चिम एशिया की जंग ना पैसों से जीती जा सकती है ना हथियारों से। उन्होंने अमेरिका पर बेहद तीखा वार किया और पूछा कि क्या अफगानिस्तान पर कब्जा अमेरिका को जीत दिला पाएगा, क्या अमेरिका इराक में टिक पाएगा, क्या अमेरिका सीरिया में जीत पाया, या उसने वहां सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, क्या अमेरिका करोड़ों डॉलर खर्च करके लेबनान या यमन में कुछ हासिल कर पाया या फिर उसे हार कर मैदान छोड़ना पड़ा। ईरान के मेजर जनरल ने अमेरिका पर जो सवाल उठाए वो अहम है। अफगानिस्तान उसका सबसे ताजा उदाहरण है। अमेरिका ने वहां 20 साल तक अपनी सबसे लंबी जंग लड़ी, मगर दो दशकों में भी वो वहां से तालिबान का सफाया नहीं कर पाया। तो क्या ईरान अमेरिका के अफगानिस्तान वाली गलती को उसके और इजराइल के खिलाफ अपना हथियार बनाना चाहता है? क्या गाजा को इजराइल के लिए अफगानिस्तान बना देगा ईरान?
क्या ईरान इसराइल का वही हश्र करने वाला है जो इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिका का हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरा, उसके बाद वो मुश्किल से ही कोई अहम जंग जीता है। अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि वो एक साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में कई मोर्चों पर लड़ रहा है। गाजा की जंग में इसराइल का साथ देकर वो वहां फंस गया है। उसके पड़ोसी सीरिया में अमेरिका आतंकी संगठन ISIS के खात्मे में लगा है। इराक में भी उसका मकसद यही है। पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 45,400 सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर फैले हुए हैं। सीरिया में उनकी संख्या 900 है तो इराक में 2,500। पश्चिम एशिया के छोटे से देश कुवैत में अमेरिका के सबसे ज्यादा 13,500 सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका 1991 से ही वहां है। वहीं बहरीन में 9,000, कतर में 8,000, UAE में 3,500, ओमान में 200, तो अपने पुराने साथी सऊदी अरब में अमेरिका ने 2,700 जवान उतारे हुए हैं। जॉर्डन में 2,936 और इसराइल में भी अमेरिका के जवान हैं, पर उनकी संख्या साफ नहीं है। और 2 साल से अमेरिका के सिर पर यूक्रेन को भी रूस से जिताने का दबाव है, क्योंकि अगर पुतिन ने यूक्रेन जीत लिया तो पूरे के पूरे नेटो के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा। अमेरिका का कोई एक दुश्मन नहीं है, उसके कई दुश्मन हैं। ईरान से लेकर रूस और चीन तक से अमेरिका की रंजिश है। यही वजह है कि अमेरिका एक साथ कई फ्रंट पर उलझा हुआ है और उस पर अचानक शुरू हुए गाजा के युद्ध ने उसकी मुश्किल बढ़ा दी है। अमेरिका के पास भले ही ताकतवर सेना है, एक से बढ़कर एक घातक हथियार है, परमाणु बम तक है, मगर जंग लड़ने के लिए जो वक्त चाहिए बस वो ही अमेरिका के पास नहीं है। पर हमास के पास वक्त ही वक्त है। उसके लिए ये जीने मरने का सवाल है। उसे बस लड़ना है, फिर चाहे जंग बरसों तक चले। 2 महीने तो बीत ही चुके हैं, लेकिन अमेरिका को जल्द से जल्द गाजा से निकलकर दूसरी जगह अपने दुश्मन का काम तमाम करने जाना है। इसी वजह से कुछ दिनों से अमेरिका और इसराइल के मीडिया में खबर चल रही है कि अमेरिका ने इसराइल को इस महीने के आखिर तक जंग खत्म करने की डेडलाइन दे दी है। अमेरिका के इस कमजोरी से ईरान अच्छी तरह वाकिफ है और इसी बात का फायदा उठाकर वो गाजा में अमेरिका को फंसाना चाहता है। वो गाजा को अमेरिका और इसराइल के लिए अफगानिस्तान बनाना चाहता है। गाजा की जंग को लंबा खिंचवाकर वो अमेरिका और इसराइल को थकाना चाहता है। ईरान के पीछे रूस और चीन जैसे अमेरिका के जानी दुश्मन भी खड़े हैं, जिनके पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। उसके परमाणु बमों की संख्या 5,889 है। यह आंकड़ा अमेरिका के परमाणु हथियारों से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास 5,224 परमाणु बम है और उसके साथ ही इसराइल के पास महज 90। वहीं रूस के साथ ही चीन के पास 410 परमाणु बम हैं और संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA आशंका जता चुकी है कि ईरान इतना यूरेनियम जुटा चुका है कि सिर्फ 12 दिन में परमाणु बम बना सकता है। यानी ईरान, रूस और चीन की तिकड़ी अमेरिका और इसराइल की जोड़ी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए ईरान की IRGC के प्रमुख ने कहा कि अमेरिका और इसराइल गाजा में चाहे जितने हथियार उतार लें, चाहे जितना पैसा खर्च कर लें, वो जितना घातक वार करेंगे उनके ताबूत में उतनी ही कीले ठोक दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे और कल वो वाराणसी को एक और वंदे भारत की सौगात देने वाले। वंदे भारत की ये ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। हालांकि अभी इसे शेड्यूल को लेकर कोई ऐलान फिलहाल नहीं किया गया।
तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और वाराणसी का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम ने 400 सीट जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किस मुद्दे की रहेगी, आप ये बात मोदी के दिसंबर प्लान को देखकर समझ सकते हैं। दिसंबर में जो प्लान बना है उसे जनवरी में जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि सोमवार यानी 22 जनवरी 2024 ये तारीख नोट कर लीजिए। ये वही तारीख है जब श्री राम लला की श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भाया प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहूं फेर। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा पल है और ये भारत की राजनीति में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तीन राज्यों में और खासकर हिंदी पट्टी के इलाके में बीजेपी की धुआंधार शानदार विजय के बाद मोदी के ब्रांड और हिंदुत्व के विचारधारा के विजय पताका पूरे भारत में जोर शोर से लहरा रही है और बीजेपी के लिए इस सकारात्मक माहौल के बीच में श्री राम मंदिर निर्माण के पूरा होने और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी भी नजदीक आ रही है। बीजेपी खुद को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत की हकदार मानती है। आडवाणी की रथ यात्रा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राम जन्मभूमि के शिलान्यास तक और श्री राम मंदिर आंदोलन के दौर में आडवाणी के राम रथ के सारथी से लेकर अयोध्या के नवनिर्माण और राम मंदिर में हुई पहली आरती तक प्रधानमंत्री मोदी का रोल पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है विपक्ष के उन बड़े बड़े नेताओं के सामने जिनको तय करना है कि वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आएंगे या नहीं। वैसे भगवान श्री राम के मंदिर में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। बिना निमंत्रण के भी राम भक्त के रूप में कोई भी श्री राम मंदिर में दर्शन कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक राजनीतिक संकट बनकर उभर सकता है। अयोध्या में हुए श्री राम महापर्व के कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद थे और इसी कार्यक्रम में ही चंपत राय ने विस्तार से बताया कि श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण किसे दिया गया है और